हाई एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड बाय द वे, आप लोगों ने इस लुक को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ किस तरह का लुक शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, जैसे कि दुर्गा पूजा अभी अभी गया है और बहुत ज़्यादा धूमधाम से हमारे यहाँ पे मनाया जाता है दुर्गा पूजा। और अभी क्या है कि जो सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा दुर्गा माँ के लुक पोस्ट किया जा मतलब कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ, तो मैंने इस लुक को क्रिएट किया था और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आई होप कि ये सारे पिक्चर्स आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ और देख लो। अभी मेकअप के बारे में बताती हूँ। ये जो मेरी मॉडल है, इन्हें आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा राधा रानी लुक में और बहुत सारे लुक में। और मेरी मॉडल की स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो थोड़े से स्किन केयर में बहुत अच्छा सा ग्लो आता है इनकी स्किन पर। बट कलर करेक्टर अभी मैं यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अब्सेस्ड हूँ कलर करेक्टर से, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो हमारा जो फाउंडेशन है ना वो आगे जाकर ग्रे पड़ने के चांसेस नहीं होती है, या फिर मेकअप जो है वो डल नहीं होता, इजीली डल नहीं होता। इसी वजह से मैं ऑरेंज कलर करेक्टर या फिर कंसीलिंग प्रीफर करती हूँ। ओके, आफ्टर कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, उसके लिए मैं यहाँ पे क्रायलॉन डर्मा यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रही हूँ क्योंकि इस मेकअप लुक को मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत ही कम टाइम में मुझे ख़त्म करना था और मैंने किसी और को दिया था शूट करने के लिए। जो भी है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट गाइस। उसके बाद फेस हाइलाइटिंग के लिए मैंने अगेन क्रायलॉन डर्मा यूज़ किया है और मुझे शेड याद नहीं रहता। और आज मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ। ये है फेस पेंट पैलेट मेकअप रिवोल्यूशन का। इसका मैंने ऑरेंज एंड पिंक शेड को यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश की तरह यूज़ किया है। अगर आपके पास फेस पेंट पैलेट है ना, उसे आप बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। शायद मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। आज मैंने सब कुछ क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है और यहाँ पे फेस कंटूर भी मैंने यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने पाउडर कंटूर से मैं उसे सेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ और ये जो मेरी मॉडल है ना, ब्लश लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हैं। अभी मैं यहाँ पे बेस को सेट कर रही हूँ पाउडर से। मैंने यहाँ पे PSC का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ किया है। तो फाइनली अभी हम आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं और अभी मैं यहाँ पे ब्राउज बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है क्योंकि इनके ऊपर ब्राउन कलर काफ़ी थोड़ा सा लाइट ब्राउन इनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी जो आई का कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन है। और आई मेकअप में मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं किस तरह से मेकअप करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा है आई मेकअप को, क्योंकि मैं इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा छोटी है लेकिन मैंने बड़ा दिखाने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा थिक यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ की है और आई मेकअप को मैंने सिंपल रखा है। आईज़ के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का आई शेडो लिया है और बहुत ही कम क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और पूरे लिड में अच्छे से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सेंटर पे मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का शिमर यूज़ किया है, दैट्स इट। मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मैंने कुछ सोच के नहीं रखा था कि मैं किस तरह का आई मेकअप क्रिएट करूँगी। और आज मैं आई मेकअप से ज़्यादा आईलाइनर पे फोकस किया है क्योंकि हैवी एंड थिक आईलाइनर से ना आँखें जो है थोड़े से बड़े दिखते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। आज मैंने यहाँ पे मेबलिन का जेल आईलाइनर यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने कलर बार का लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है ताकि आईलाइनर जो है वो स्मज ना हो। अभी मैं यहाँ पे थर्ड आई क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ये आर्ट दुर्गा माँ के लुक को कंप्लीट करता है। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में सब कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अच्छे से शूट नहीं हो पाया कुछ रीजन की वजह से। अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड में मैं यहाँ पे रेड कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ NYV का, और ये है इस मेकअप का फाइनल लुक। हम लोगों ने दो शूट किया था उस दिन, एक ये आगमनी लुक क्रिएट किया था, उसके बाद हम लोगों ने दुर्गा माँ का लुक हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो बहुत सारा मेहनत लगा था इस लुक को कंप्लीट करने में, प्लानिंग करने में और शूट करने में। एंड आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर आप चेक कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।